बनाना शुरू करी। ये दो में करंट बता, सब क्वेश्चन में हम दो मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। आसानी के लिए इसको कर लो बड़ा, इसको बड़ा कर लो। लो एक मिनट हो गया। देखो इसमें 16 और कम से कम 38 से 40 पेज में डिस्कस करूंगा विद इन 1 आवर। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन चला देंगे, लिखने वाला का टाइम बच जाएगा आपका। 1:24 हो गया, हर क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। आठ बाई तीन, तीन इसमें तीन, फोर बाई थ्री, किसी का सही नहीं लग रहा है हमको। कितने लोग कल वाला पूरा प्रैक्टिस किए दोबारा, देखते हैं बतियाते रहते हो क्लास में। हम आते हैं सबसे पहले कैमरे देखते हैं, नहीं कल वाला प्रैक्टिस कर ले, सब देख ले। गलत नहीं आना चाहिए, कल बहुत प्रैक्टिस कर रहे। देखिए ना आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी पहला दिन थ्योरी पढ़े हैं, उसके बाद खाली प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर्किट। चलो बनाओ, जैसे बताओ, हमारा आंसर चाहिए भाई। हमारा ये में चाहिए था, हम सब जगह से क्या पूछ रहे हैं, इसमें कितना चाहिए? आए पाँच, हमको यहाँ का चाहिए। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट, 8 4 12 6 4 2 6 3 2 2 6 8 2 10 आय हो जाएगा 4 40 बाई 10 4 MP। क्लियर? चार है ना, नहीं बुझा यहाँ का कल चाइनीज में बोल रहे थे। 8 4 12 6 4 2 6 3 2 पार्लेल 2 2 6 8 2 आई बराबर भी भाई आर इक्विवेलेंट है 10 40 बाई 10 4। ठीक, आप देखो ध्यान से, बाकी कल तक का वीडियो अपलोड हो गया बहुत फास्ट। चारों वीडियो करंट का भी जितना कला सब, कैपेसिटर का भी अपलोड करवा दिए। कैपेसिटर का जो 3 हुआ 3 क्लास डाल दिए, सब डाल दिए, वीडियो डलवा दिए, देख लो जाके, वीडियो अपलोड हो गया। या तो मोबाइल फोड़ लो, या ऑफिस में जाके माथा फोड़ दो, ऑफिस में नहीं पढ़ना था हमारा माथा फोड़ देना। ऑफिस में बात करोगे ना कि क्यों नहीं चल रहा है भाई? ऐसा नहीं सर, आप लोग बात करते हैं ना। हाँ आप क्या, ये गलती नहीं क्यों, तब कैसे गलती हो गया? फिर आगे गलती नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ 4 तो सब में 4।
क्या बोल रहे हो यार तो सब में चार चल यार देख पंच लाइन सुनो दिमाग शांत करो पंच लाइन सुनो पंच लाइन मेन करंट निकाल के जितना सर्किट तुम छोटा कर सकते हो कर लो चार आठ बारह छह चार दो देखो यहाँ तक तो चार बहेगा यहीं से ना बटेगा इस सब के बदले क्या लगा दो छः तो हमारा सर्किट कुछ अब ऐसा हो जाएगा चालीस ये हमारा हो गया चालीस वोल्ट यहाँ छः ओम यहाँ तीन ओम दो ओम यहाँ तीन इसके बाद ये तो सब एक ही है ना आठ चार बारह छः चार चार दो छः यहाँ छः लगा दो अब इसमें इसमें कोई अंतर है इसमें इसमें कोई अंतर नहीं यहाँ तक कितना है चार इसमें ले लो आई वन इसमें ले लो हमसे क्या पूछा है दो में ना तो भैया सिंपल बात बताओ चार आठ बारह और छः इस ये तीनों का जगह हम चार लगा सकते हैं तो जो चार में घुसेगा वही ना दो में घुसेगा हाँ है ना चार आठ बारह बारह छः चार इसमें जो घुसेगा इसके जगह हम चार लगा दें यहाँ पे तो चार और दो तक के लाइन में आ जाएगा सीरीज में तो जो चार में घुसेगा वही तो चार दो तो इधर तीन इधर छः आई टू निकाल लो वही आंसर होगा बोलो लगाओ आई वन इज टू आई टू ये दोनों में आई वन इज टू पार ले लेना वन बाई तीन इज टू वन बाई छः वन बाई थ्री इज टू वन बाई छः हो गया एलसीएम लेके छोटा कर लो छः हो गया एलसीएम तो दो इज टू वन मुझे क्या चाहिए आई टू ना आई टू क्या हो जाएगा वन बाई तीन है मेन करंट कितना चार सर्किट दो ओम का मतलब क्या हो गया कि भैया ये तो चार है जो चार में घुसेगा वही तो दो में घुसेगा तो चार दो छः जो छः में रहेगा वही दो में रहेगा अलग अलग बांटोगे तो हो गया जाओ बुक का सलूशन देखो डॉटनेट पे देखो मैं कल एक लाइन बोला था इससे इजी नहीं हो सकता है और हाँ अगर मेरा लाइन जुटला तो बोतल उतल फेंक माथा पे देखो कितना आसान है चले अरेंज कीजिएगा बाद में रेडी जल्दी ट्राई करो पागल हो जाओ एकदम पागल हो जाओ छः ओम में बताओ टाइम बढ़ा देना चलो क्वेश्चन पहले देख लो तब इसमें चाहिए अच्छा इससे भी आसान तरीका है जो तरीका से बताने का निकालना उससे भी आसान है पोटेंशियल से भी निकाल सकते हो टाइम स्टार्ट कर देना अब ही हो नहीं करे तो कहिया चलो बना अब मैग्नेटिज्म पढ़ने में इससे भी ज्यादा मजा आएगा हिट पढ़ने में फटाफट क्वेश्चन चलेगा टेन बाई सिक्स
5x6 6 6 3 3 6 3 2 2 4 4 2 2 3 5 आई बराबर हो जाएगा 50/5 10 10 एमपी सीरीज पार्लर निकाल ले रहे हो ना चार 10 एमपी तो यहाँ 10 बजेगा अरे यहाँ से 10 ना ये जंक्शन हो गया देखो ये भी 4 है और ये पूरा भी 4 है 6 6 3 3 6 6 3 3 6 3 2 2 ये पूरा 4 है ये भी 4 है ये जंक्शन से इधर चल जाएगा 5 एम्पीयर तो इधर भी चल जाएगा 5 एम्पीयर या तो I1 और I2 मान लो I1 I2 मान ले अरे यहाँ ये 4 है ये भी 4 है तो I1 I2 मानो चाहे 5 5 लिख दो यहाँ बतवा बराबर है बोल यार अरे 4 है और ये भी 4 है I1 I2 संजोग से ये और ये बराबर है तो I1 I2 लिखिए 5 5 लिख है ना बोलो ना जैसे बांटना आप देखो मुझे किस में चाहिए इसमें ना यहां से देखो 5 यहाँ आया ये 3 है ये 3 6 6 आप मान लो यहां तक आया इसमें तो 5 आया यहां तक फिर यहां जंक्शन है जैसे यहां से दो भाग में बटा यहां दो भाग में बटा ना फिर यहां दो भाग में बटेगा तो मान लो इधर गया I1 इधर गया यहां पहुंचे I2 तो ये भी 6 ये भी तो इसमें I2 के I2/2 यहां I2 आ रहा है ना तो इसमें ये दोनों तो बराबर है आधा आधा बट जाएगा अरे चौथरा सब ये दोनों बराबर है ना तो यहाँ I2 आया था I2/2 ना तो हमारा जो भी आंसर होगा वो I2/2 होगा I2 निकाल लो बोलो I1 is to I2 I1 is to I2 I1 इधर कितना है 3 इधर 6 है पूरा 6 6 3 3 3 6 1/3 is to 1/6 अरे भैया ये 5 को बांट दिया I1 I2 में I1 is to I2 1/R1 का काम करेगा 3 R2 का काम करेगा पूरा 6 है ना LCM लो 2 is to 1 होगा मुझे क्या चाहिए I1 की I2 इधर I2 मान लिए हैं I2 क्या हो जाएगा 1/3 अब मेन करंट कितना है 5 I2 हो गया 5/3 यहाँ पे कितना बह के आया इसमें कितना जाएगा आधा आधा बढ़ जाएगा ना तो 5/3/2 5/3/2 हो गया इसमें जो भी करंट होगा वो I2/2 होगा चाहे यहां रहने दो ना क्वेश्चन बढ़िया तो है यहां लिख देते हैं इसलिए करंट थ्रू सिक्स ओम 5/6 एम्पीयर देखो ध्यान से देखो एक बार और समझाऊं एक बार समझाऊं देखो कुछ नहीं करो पहले नंबर तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो सुन लो फिर से आर इक्विवेलेंट निकालने पे कितना आया
आर्यकुवलन तुम्हें पहले तो आर्यकुवलन निकालने आना चाहिए। आर इक्विवेलेंट तुम्हारा आ गया पाँच, आई बराबर होता है भी बाई आर, आर मतलब पूरा आर इक्विवेलेंट, पचास बाई पाँच दस आया। यहाँ पे करंट कितना बा दस। अब क्या करो, जंक्शन में बांटते चलो, यहाँ पे जंक्शन है माने तो तुम शुरू से कर लो ना, यहाँ आई वन यहाँ आई टू, फिर आई टू को बांट देता आई थ्री आई फोर में, उसे कोई दिक्कत। हम यहाँ पे पाँच पाँच इसलिए कर दे कि ये भी चार है और ये भी चार है। ठीक, इधर वाला खाता हूँ, इसमें थोड़ी हमसे पूछा है, बोलो इधर पूछा है, यहाँ तक पाँच आया, फिर ब्रांच बटा। तो अगर तुम नाम पहले कुछ नहीं रखो तो यहाँ आई वन आई टू रख दो, मान लो कोई यहीं पे आई वन आई टू रख देता तो यहाँ आई थ्री आई फोर, उसे कोई दिक्कत। मेरे से क्या पूछा है इसमें ना, तो इसमें कितना बह रहा है, यहाँ तक आई टू बह रहा है, बोलो तो इसमें जो भी बटेगा आई टू बाई टू, क्योंकि ये दोनों सेम है तो आधा आधा बांट लेगा, बोलना। अगर मैं आई टू निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा इस ब्रांच में, दो से डिवाइड कर दूंगा तो इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, भले इससे पूछा। अब आई वन आई टू निकालने का तरीका, जब दो ब्रांच में करंट निकालना हो पैरेलल सर्किट में, तो आई वन इज टू आई टू लिख रेजिस्टेंस के रेशियो में, इसका रेजिस्टेंस तीन इसका रेजिस्टेंस छः, इस एलसीएम को छोटा कर ले जैसा कि कल से बता रहे हैं, यहाँ से आई टू निकाल लिए उसको दो से डिवाइड कर दिए। इससे भी आसान तरीका हो सकता है, देखो पोटेंशियल से बनाएंगे, ये अलग क्वेश्चन है ना, इसी में बनाओ, दूसरा कलम से लिखना घर पर, जरूरी नहीं यही तरीका, अभी जो तरीका बता रहा हूँ जरूरी वही नहीं तरीका, कुछ भी आप कर सकते हो, बस आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, जो भी करना आप कर सकते हो, इसको पोटेंशियल से बना सकते हैं, इसको नहीं सारे क्वेश्चन को, कल से जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं सबको आप पोटेंशियल से बना सकते हैं। पोटेंशियल से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, मैं गुलाबी से लिखता हूँ, ये 50 तो यहाँ जीरो तो यहाँ 50, बैटरी के कॉस्ट 50 ना, करंट कितना बढ़ रहा है, तो इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी बराबर आई आर, आई कितना, आर कितना, दस या तीस, ये 30 ले लिया तो यहाँ बचा कितना 20, इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, बैटरी कितना दे रहा, बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप 50, 50 में कितना ले लिया, वी बराबर आई आर से, आई 10 आर 3, 10 या 30, इसी को ना बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, 30 सो के लिया, यानी रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है, तो ये एनर्जी कंज्यूम कर लिया 50 में, कितना कंज्यूम कर लिया 30, पोटेंशियल ड्रॉप ले लिया 30, तो यहाँ बचा कितना, ठीक मुझे तो इधर जाना है, इसमें करंट कितना बह रहा है, करंट आई रेजिस्टेंस कितना है, तो इसके थ्रू ड्रॉप कितना होगा, पाँच दूना 10, तो ये ले लिया 10 प्लस माइनस 10, तो यहाँ बचा कितना 10, 50 में 30 ये सोख लिया, 20 में 10 ये सोख लिया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 10, यहाँ यहाँ भी, ये दोनों कितना के बीच में है, इसमें करंट कितना बढ़ रहा है, तो इसमें हम निकाल सकते हैं कि नहीं, बोल इसमें करंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस 10, रेजिस्टेंस कितना, वी बराबर आई बराबर वी कितना, आर कितना, इसमें करंट आया 10/3, यहाँ पे कितना आ रहा था, पाँच में कितना चला गया, तो बचा कितना, पाँच में से 10/3 गया, 5/3, तो इधर बचा 5/3, अरे यहाँ पाँच पहुँचा, पाँच में कितना गया, तो बचा कितना, पाँच माइनस 10/3 5/3, यहाँ कितना आया 5/3, इसमें कितना चला जाएगा, इसमें कितना आएगा, कौन अच्छा लगा, पहले वाला चला, पहले वाला ये अच्छा लगा, ये वाला, ये उससे भी आसान है, आपको किससे क्लियर हो रहा है, आपको कौन आसान लगा उसे करो, देखा जाए तो अभी वाला इससे भी आसान है, वो ओरल है, कलम चलाने की जरूरत भी नहीं, दिमाग शांत करिए एकदम, मैं अगर हार्ट बता रहा हूं तो बोल दे, मैं फिर से दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हूं, सब कुछ नया मेथड से पढ़ा देंगे, 13-13 मेथड होते हैं सर्किट सॉल्व करने के, 13 हम कम बोल रहे हैं,
दिमाग शांत करिए, देखिए आपको कौन अच्छा लग रहा है। आप मान लीजिए घर पे बैठ के कल से जितना क्वेश्चन किए हैं जिसमें कहीं भी करंट निकालना हो तो आप पोटेंशियल से निकाल के देखिएगा, ये भी वैलिड हो जाएगा। अब निकाल के देखिएगा, इसे अपने आप को इतना डुबा देना, कहीं बैठे कलम चलने लगना चाहिए। रास्ता में जा रहे हैं मन में चलते रहना चाहिए, शाम में मन हुआ समोसा खाने जाना है, गए होटल में बना रहे सर बेंचे पे लिखने लगे क्वेश्चन। पागलपन होना चाहिए जब तक, यही बात हम आज तो नहीं बोल रहे, शुरू से बोल रहे हैं आप लोग। बेंच तो लिख लो ही रहता है, यहाँ तो आई लव यू और सब लिख ले। बउआ चले आगे, चलो आगे चले। हाँ, इसमें करंट निकालना है, ट्राई करो। जल्दी जल्दी ट्राई करो। इसमें चाहिए, ये कनेक्टिंग वायर है, ये इसमें चाहिए। आराम से बनाओ, चार देखो यहाँ 24 चार बाय तीन ऊपर ऊपर के नीचे ऊपर चलिए बनाते हैं। ये दोनों पैरेलल सीरीज, और दोनों पैरेलल है कि सीरीज है? पैरेलल है। 6-3 ये दोनों, 4-2 24/6 करंट कितना बा? यहाँ 4 हमें तो इसमें चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये 4 ना इसमें बटा, बोलो एक तो तरीका है I1 I2 लेके।
इसमें आई वन आई टू लोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसे पोटेंशियल से बना लो। किससे बना लो? पोटेंशियल से बना लो। 24 है यहाँ, 24 है यहाँ, यहाँ 24 तो यहाँ भी 24। बोलो फंस गए, फंस गए तो कनेक्टिंग वायर यहाँ एक्स थे यहाँ भी। बोलो ये 24 तो यहाँ भी। बोलो यहाँ 0 तो यहाँ भी, यहाँ भी। I1 I2 से बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा तुम्हें थोड़ा सा, इसलिए पोटेंशियल से बना लो। फिर से देखो यहाँ 24 यहाँ 24 यहाँ, यहाँ 24 तो यहाँ, क्यों कनेक्टिंग वायर है ना, यहाँ 24 तो यहाँ भी, यहाँ 24 तो यहाँ, हाँ EX तो ये भी, क्यों अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस रहता तो यहाँ X और यहाँ Y लिखते नंबर अलग अलग, ठीक। 0 0 इतना तो क्लियर है ना कि यहाँ पे करंट कितना पहुँच रहा है, वही 4 इसमें इसमें बढ़ रहा है। चलो इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, इसमें इसमें करंट कितना जाएगा, चलो 4 का इसमें कितना जाएगा, इसमें जो भी करंट है उसको आप आई वन मान लो, इसको आई टू मान लो। इतना तो क्लियर है कि इसमें वाला करंट आई के बराबर है, चार एम पे नहीं दोनों में बटेगा हो। तो इसमें कितना करंट है, 24 माइनस एक्स बाई 3, 24 माइनस एक्स बाई 3, इसमें 24 माइनस एक्स बाई 6, आई बराबर भी बाई आर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 24 माइनस एक्स बाई 3, इसमें 24 माइनस एक्स बाई 6, क्या ये दोनों का सम 4 के बराबर है, क्या दोनों का सम 4 के बराबर है, क्या दोनों का सम 4 के बराबर है। यहाँ से x निकालो, 3 6 का एलसीएम 6, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, आइए कितना हो जाएगा, ये x 16 16, यानी यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, पोटेंशियल सेम है, लग ही रहा है कि करंट 0 होगा। ऐसे चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 24 और यहाँ का 24 में से 16 गया 8, आई कितना होता है, वी बाई आर, वी आई 8, 8 बाई 6 4 बाई 3, इसमें कितना बहा, अरे भाई यही x का वैल्यू यहां डालना दे यार, ये कौन ब्रांच में करंट है यहां, ये कौन ब्रांच में करंट है यहां, x कितना है, 24 में से 16 गया, 8 बाई 6 4 बटा 3 ना, 4 बाई 3 हाँ या ना। चलो यहां देख, अगर इसमें 4/3 है, देखते हैं इसमें कितना है, अगर उतना ही निकल गया तो 0 होगा। बोलो यहाँ, यहाँ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 16, रेजिस्टेंस I बराबर वी बाई आर, 16/12 4/3, इसमें बाहर कितना गया 4/3, आया 4/3 निकलेगा 4/3, मतलब इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0, इसमें करंट हो जाएगा 0। अच्छा किसको किसको दिमाग में आया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज है ये, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये एक्सप्रेस मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि कहीं हम डटा नहीं जाए। 6/3 मैं हूँ, 6/3 12/6
आर वन बाई आर टू का रेशियो आर थ्री बाई आर फोर के बराबर हो तो इसमें करंट जीरो होगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगाना व्हीट स्टोन ब्रिज, अभी पढ़ा ही नहीं व्हीट स्टोन ब्रिज, अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है पता चलेगा। क्लियर? ये नहीं कि रेशियो बराबर हो तो करंट जीरो कर दे। अभी रुको ना यार, क्यों इतना घर फरा रहे हो, बोलो तो किताबी भाषा पढ़ा देते हैं। क्यों व्हीट स्टोन ब्रिज चार रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, बोलो लिखवा देते हो किताबी भाषा। इंतजार करो ना, फिल्म देखने जाओगे अब तो उसे नबी दिखा दीजिए तो कैसे होगा भाई। पहले इसको देखो, देखो इसको हो गया इस। अच्छा ये बताओ यहाँ अगर कनेक्टिंग वायर में अभी जीरो है तो हमेशा जीरो होगा? कनेक्टिंग वायर में जीरो है तो हमेशा जीरो होगा? यहाँ वैल्यू ऐसा ले ले कि जीरो है, इसलिए व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं बोल रहे हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? रुको रुको, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे बढ़िया इसमें क्या है, पोटेंशियल लगा के बना लेना है तो फिर आई वन आई टू फिर बांटो आई थ्री आई फोर, है ना। ये नहीं रहता तब ना इधर, इसमें आई टू तो आई टू है बह गया, आई थ्री आई वन तो आई वन यहाँ बीच में है ना, तो श्योर थोड़ी है कि कनेक्टिंग वायर में करंट जीरो होगा। यहाँ आ गया आंसर, आ गया तो थ्योरी नहीं बना लेंगे। कनेक्टिंग वायर में तो करंट बहता ही है ना, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। चलिए तो पोटेंशियल से इसको कर लीजिए, रेडी वन टू, चलिए 24 24 से यहाँ जीरो, यहाँ जीरो तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 24 तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ फंस गया तो एक्स मान लिए, यहाँ भी एक्स। हम इतना जानते हैं कि इसमें कितना करंट बह रहा है, यहाँ पे यही चार ना दोनों बढ़ रहा है, तो इधर जो भी करंट है वो है 24 माइनस एक्स बाई तीन, इधर जो भी करंट है 24 माइनस एक्स बाई छः, इसको किसके बराबर कर दिए, क्या निकाल लिए, एक्स मालूम हो गया। तो इसका मतलब है 24 और यहाँ 16 है तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 8, ये रेजिस्टेंस कितना, आई बराबर भी बाई 8 बाई 6, इसमें आया कितना, तो इसमें कितना आया 16 में से जीरो हो गया 16 बाई 12, जितना आया उतना जीरो। नीचे से भी चेक कर सकते हो, नीचे से भी चेक कर सकते हो, 24 में से 16 गया तो इसमें कितना 8 बाई 3, अरे 24 में से 16 गया, आई बराबर भी बाई भी है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 24 में 16 गया 8, आर कितना, आई बराबर भी बाई भी है 8 आर है 3 तो 8 बाई 3, इसमें आया कितना, यहाँ देख 16 माइनस 0 16 बाई 6 आया कितना, निकला कितना, आया कितना, निकला कितना, इसमें क्या होगा, अब मोने देव चेक कर लो ये दोनों का सम 4 के बराबर है कि नहीं है, 4 है ना बड़ा ये दोनों में, 8 बाई 3 प्लस 4 बाई 3 4, हर तरीके से सही बैठेगा। क्लियर? चलो इसको ट्राई करो जल्दी, अलग रहा है तो बता दे, जीरो होगा, उसमें जीरो था इसमें जीरो, थ्योरी लिख देंगे नोट में, कनेक्टिंग वायर जब भी दे दो उसमें करंट जीरो होगा, क्या बोल रहे हो यार। अब समझा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या नहीं लगाना है, क्या होगा, हो सकता है व्हीट स्टोन ब्रिज ये बिहेव करे क्योंकि उसमें पचमा के थ्रू करंट जीरो होता है, इसको पचमा मान लेंगे। जैसे बनाओ वैसे सबका पोटेंशियल लिखो, सबका पोटेंशियल लिखो, जैसे बनाओ वैसे ही बनाओ, सबसे बनना चाहिए, फेंकने लगेंगे खिड़की से सबको बाहर, अभी हम सेम टू सेम बनाओ जल्दी। सेम टू सेम बनाओ, 20 यहाँ 20 यहाँ 0, 20 20 20 0 0 0 वहाँ एक्स मान लो, सेम टू सेम बनाओ। कहाँ गायब रहती है रे, कहाँ गायब रहती है, शिफ्टिंग हुआ था तो क्लासे घर या शिफ्टिंग होता है, बहुत टाइम है भर दिन में।
नहीं, कल का क्लास कितना इम्पोर्टेंट था देखो वीडियो जाके तो पता चलेगा। तो आंसर तुम नहीं लाओ ना पहले बहुआ, जल्दी करो। हमारी चार गांधी जी के बंदर, तो और फास्ट। 16 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। अच्छा फिर ये आई हुई है, जल्दी बनाओ। बोलो नीचे में ऐड होना चाहिए, ऊपर में ऐड होना चाहिए। हम करंट उसमें पूछ रहे हैं कि इसमें पूछ रहे हैं, कनेक्टिंग वायर में, रेजिस्टेंस से थोड़ी पूछ रहे हैं। टू बाई नीचे ऊपर पक्का, हम तुमको इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें बताओ, इसमें बताना है। हो जाएगा पक्का। कैसे बनाए थे अभी? सेम बनाओ ना, ऊपर डायरेक्शन तुम नीचे लेके बनाओ ना। प्लस आया तो सही है, माइनस आया तो अपोजिट हो जाए, गलती का कोई चांस ही नहीं है। छोड़ो ना, डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इसमें करंट बता दो। लो लो डायरेक्शन का है, देखो लो लो करंट बता दो हमको डायरेक्शन से, कोई डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगा। चलो रे लिखवाओ, ये 20, ये 0, ये 20, तो ये भी 20, 20, 0, 0, 0, कैसे लिख रहे समझ में आ रहा है ना आप? ये 20 तो ये x, ये x तो ये भी x, यहाँ सेम क्यों हो गया? इतना छोटा छोटा बेसिक बताए हैं, उस अगर पकड़ो हर जगह यूज हो रहा है। देखो एक बात तुम लोग बता दो कि एक टॉपिक कितना क्वेश्चन करना चाहते हो, जब कहोगे सर ओके तो हम निकल जाएंगे आगे, नहीं तो करवाते रहेंगे। जितना तुम क्वेश्चन करंट में करना पड़ेगा, मैग्नेटिज्म में भी करना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ ये अलग बात है कि मैग्नेटिज्म में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा हेल्प मिलता है भाई। मेरे पास क्वेश्चन का भरमार है, उधर टाइम बचाने के लिए तुमको पीपीटी में चला दे रहे हैं, वो नहीं बना लाता था यहाँ से लिखते। अब कितना टाइप का चाहिए अब तुम बता दो, कितना करना है, इस पर और करना है या मैं आगे बढ़ जाऊँ? हाँ चलो लिखवाओ, करंट कितना है बउआ रे? 6 3 का 2, 6 6 का 3, 3 2 5, पूरा 5 ना, 20/5 करंट 4, यानी यहाँ कितना पहुंचा? ये नहीं दोनों में बढ़ेगा, तो ये इसमें करंट कितना? 20 माइनस एक्स बाई 3, 20 माइनस एक्स बाई 6, क्या मैंने सेम टू सेम किया है?
जैसे इससे पहले वाला बनाया था, नहीं भरोसा है तो देख लो, क्या यही है या और भी वजह है? हे भगवान, यही तरीका है कि और भी हो सकता है? मैं वो तरीका रख रहा हूँ कि जो सबसे इजी है पूरे सर्किट में। कोई भी सर्किट में हम लोग जो सॉल्व करेंगे, अभी बैटरी दो तीन को बैटरी लगाएंगे, बैटरी का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो सबसे इजीएस्ट होगा वही बताऊंगा। हाँ जी, कितना है एक्स? 12 वोल्ट। मुझे एक्स मालूम चल गया, आराम से पता चल जाएगा करंट। आई बार और भी भाई आ रहे हैं यहाँ का, भी कितना 20 में से 12 गया 8, 8/3। अरे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 12 ना 8, रेजिस्टेंस कितना आई हो जाएगा 8/3। नीचे से चेक करोगे तो नीचे से कर लो चेक, इसमें आया 8/3, इसमें देखो तो 12 माइनस 0, 12/6 2। यहाँ पे आया कितना 8/3, निकल कितना गया तो बचा कितना 2/3, तो ऊपर 2/3 चल जाएगा, ऊपरों से ही होगा, ऊपर से भी नीचे आ जाएगा ना, ना आएगा, देखो ना देखना ना, अरे इसमें कितना ये पता चला, घुसा कितना तो बचा कितना 8 में से 3 गया, 8/3 - 2 तो 2/3 पर चला गया। कोई बोला हम नहीं मानेंगे, कोई बोला हम, ऊपर से बताइए 20 में से 12 गया, अरे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 8/6 4/3 बहा, इसमें गया कितना 12 में से 0 12/6, इसमें आया कितना, इसमें गया कितना, ज्यादा कौन है ये किए, इसका मतलब 2/3 यहाँ पे आ रहा था, 2/3 इधर से 4/3, इधर से 2/3, यहाँ जंक्शन है 4/3 + 2/3, इन्हें कि यहाँ 4/3 तो इन्हें कर देना, अरे इसमें ज्यादा बह रहा है ना, इसका मतलब इसमें यहाँ पे करंट इधर से भी आ रहा है, इधर से कितना आ रहा था, इधर से तो यही दोनों मिल के नहीं है 2 हो गया, मतलब इसमें कितना बह रहा है फाइनली, इन्हें क्या ऐसे कर देना दिक्कतें हो जाएगी, ये कम है और ये तो इसमें से इसके जा ही नहीं सकता है, इसका ये पूरा थोड़ी गया, इसका मतलब यहाँ पे कहीं और से भी आ रहा है करंट, वो ये है, कहाँ माइनस आ रहा है भाई, माइनस आ ही नहीं रहा है, ऐसा करोगे तब सोच लो, हाँ तो इसका ऊपर जा रहा है बात, आओ तो सिंपल है ना, तो बात है सिंपल है, बाबू आया यहाँ 4/3 है, यहाँ 2 है, तो ये ज्यादा है और ये इसका तो यहाँ जरूर कहीं से आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना तो यार ऊपर ही होगा, कितना आ रहा है ये, कितना दोनों को जोड़ोगे तो 2 आ रहा है, अरे तुम जैसे सोचा वो भी गलत नहीं है कि इसमें से इसको घटाओ, प्लस रहता तो नीचे माइनस है तो ऊपर, जैसे तुमको सोचना अच्छा लगा, कैसे बोला बोल, बस दिक्कत क्या है बताओ, ठीक बताओ, यहाँ पे तो सबसे बड़ा चीज है, जैसे माइनस में सोचा, हम यहाँ पे माइनस में नहीं सोचा, हमने क्या सोचा इसमें कितना बहा, इसमें हम ये देख रहे हैं ज्यादा है, ये कम है, जरूर यहाँ आ रहा है, तो जब पता चल गया आ रहा था ऊपर ना है, कहाँ दिक्कत हो रहा है माइनस प्लस, कहीं दिक्कत नहीं है भाई, कल से कोई डायरेक्शन में कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, कहीं दिक्कत हो ही नहीं सकता है, फिजिक्स में डायरेक्शन लेने में कहीं दिक्कत हुआ है, हो याद करिए सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन में, ना वाला जो क्वेश्चन करते हैं कहाँ दिक्कत होता है, मान लो किधर हो, रेडी
ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ये बात कैपेसिटर में भी सिखाए थे, निकालो। बनाओ ना तो जल्दी, महा गया महा गया, ए महा गया महा गया, जल्दी बता। क्वेश्चन लिख देते, पता चला घर में पता नहीं चला, निकाल लिया क्या लिख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड वी ए माइनस वी बी, लिख लो। बड़े घटे वाला डायलॉग याद है? लगा ना वही तो। देखो यार कैसे, सबसे आसान बताता हूँ, कलम रोकिए, सबसे आसान सुनो, सबसे आसान की सबसे आसान आसान बताऊँ, ठीक। करंट कितना? ये कितना सूखेगा? चार। आई बराबर भी बराबर आई आर, आई कितना, आर कितना? ये बोला भैया जो करना है करो, हम तो चार लेंगे। तू जितना एनर्जी लेके आ रहा है, मैं कितना लूँगा? मैं तो लूंगा, क्योंकि मैं तो कंज्यूमर हूँ, मैं तो एनर्जी कंज्यूम करूंगा। ये बोला देख भाई हमारा कोई सुख दुख, हम हो बैटरी, हम तो एनर्जी का सोर्स है ना, तो करंट बढ़ाएंगे ना। अच्छा करंट थोड़ी बढ़ता घटता है, करंट जो एनर्जी लेके चल रहा है वो बढ़ता घटता है, करंट तो दो ही रहेगा, यहाँ प्लस है यहाँ, ये तो चार वोल्ट का है। ये बोला बउआ ये लिया है तो मुँह लेंगे, तीन दुना छे, ये कहेगा हम छो लेंगे। ये बोला हमारा ना सुख न दुख भाई, हम इन्हें प्लस इन्हें माइनस है, आठे हैं। ये बोला ए लिया है, ई लिया है तो हम लेंगे। करंट कितना बढ़ रहा है पूरे में, है ना? तो भी बराबर आई आर, भी बराबर तो वन इंटू दो, ये कितना सुख लिया, कहाँ पहुँच गए? चलिए शुरू करिए, ए से शुरू किए भी ए, डायलॉग याद रखिए, बढ़े घटे, घटे तो माइनस लीजिएगा, बढ़े तो आ घटे, बढ़े कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे भी ए, बढ़े घटे घटे माइनस ना, अरे पोटेंशियल ड्रॉप लेगा ये तो माइनस ना होगा, करंट हमेशा फ्लो होगा हायर से। तो मान लो हम चलना शुरू किए लोअर की ओर जाएंगे तो घटे, अप की ओर जाएंगे तो बढ़े। अब मैं जो बोलूँगा और जो मैं जो बोलूँगा आप जो सुनेंगे और जो एक्शन लेंगे वो ध्यान देना भी है। बड़े घड़े कितना से? चार से तो माइनस चार। बड़े घड़े देखो बैटरी में छोटका डंडा आ रहे हैं, निकाल रहे छोटका डंडा से, घट गए ना, माइनस चार। बड़े घड़े तो माइनस छः। बड़े घड़े माइनस आठ। यही पर बर्गर डंडा इधर रहता तो प्लस आठ हो जाता। बड़े घड़े पहुंच गए एक जगह, लिखो बड़े घटे करो पहुंच जा। रेजिस्टेंस में तो हमेशा घटे हो जाएगा क्योंकि प्लस से माइनस, बैटरी से अगर करंट निकल रहा है तो देखो छोट का डंडा से निकल रहा है तो घटे, मान लो यहीं पर बर्गर डंडा रहता प्लस कर देते, कितना हो जाएगा 14 8 24 बी ए माइनस बी बी 24 सही है बोलना सही है। चल इसको बनाओ, एक बार ए से बी एक बार ए से सी निकालो जल्दी फास्ट, बड़े घटे करो। वो नहीं हो लिखोगे चलेगा, अपने देखो नहीं आप पांच पान दो ना दस, कहेगा हम लेंगे दस, तो बड़े घटे दस, यहाँ देखो माइनस दस। एक बार ऐसे चल जाओ, एक बार ऐसे चल जाओ, यहाँ देखो जंक्शन में करंट भी दे दिया, इधर दो है इधर तीन है, जल्दी एक बार ऐसे भी एक बार ऐसे सी जल्दी। एसी 41 आई भी
AB 37। चलो देखो, पांच बाहर, भी बराबर आया, ये ले लेगा दस। ये दस कैसे लेके समझ में आया? बड़े घटे पांच या पंद्रह, अरे अला तू दू के तो दस लेगा तो तीन का पंद्रह लेंगे। चुप रहो, इधर निकलो, यहाँ दो है ना, दो दूना चार वोल्ट। बड़े घटे बड़े इधर लिख लो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ तीन आ रहा है ना, चार तिया बारह। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आइडिया हो जाएगा लिखते लिखते आप। चलिए लिखवाइए, ए से सी, ए से भी लिखना है तो भी ए। बड़े घड़े बड़े घड़े, रे कलम रोक के बोलो ना, बड़े घड़े बड़े घड़े बड़े घड़े बड़े घड़े बड़े घड़े बड़े बड़े बड़े, पहुंच गए। पंद्रह पैंतीस है, बीस पंद्रह पैंतीस, चार उनचालीस, सैंतीस प्लस सैंतीस ना। हाँ प्लस होगा, अरे माइनस में नहीं आएगा। जब तू देख रहा है कि करंट हाइयर से लोअर बढ़ रहा है तो माइनस कैसे आएगा? हाँ तो वैसे उल्टा बहा दे तो माइनस में आ जाएगा। चले ए से सी, माइनस में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आएगा तो उसका क्या मतलब होगा? जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ाएंगे तब तो पता चलेगा। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ए से सी आइए, बड़े बड़े ए से शुरू कर, बी ए, अरे लिखवाओ ना, बड़े 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 भाई, बड़े 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 घड़े घड़े, अरे घट गए भाई। सी दस दस पैंतीस चालीस इक्यावन, जल्दी मिलाओ। कहाँ पे रे? यही रुक जाओ ना भाई, जहाँ बोलेगा वहाँ रुक जाओ। वहाँ कुछ नाम ले लो, तू अपना नाम लिख दो, यहाँ लिख दो डी, यहाँ से यहाँ चलो, जहाँ पूछेगा वहीं पे चलो। यहाँ पे पूछ दिया तो यही रुक जाएंगे, जहाँ पूछेगा वहाँ रुक जाएंगे, जहाँ बोलेगा वहाँ रुक जाएंगे। तुम्हारा यही ना डॉट है, ये माइनस बीडी नहीं पूछता। क्या तुम पूछना चाह रहे हो? रुक, बीडी सिर्फ यहाँ का पूछा, ठीक, और तो बीए दे देगा। दो पॉइंट में अगर मुझे एक पॉइंट का निकालना है तो एक पॉइंट का मुझे मालूम होना, आने तो जीरो ले लेंगे वहां का। जैसा तुम बोल रहा हो वैसे मैं यहाँ पे दे देगा, नहीं देगा तो कोई और इन्फॉर्मेशन देगा, बाकी तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा।
कहीं का पूछेगा तो एक जगह का देगा, एक जगह का निकालना। जैसे मान लो हमसे ए और बी का पूछा, ठीक, अब मुझे सो बी का पूछ दिया तो ए का मालूम होना चाहिए। हाँ, ए इन्फिनिटी है तो जीरो ले लेंगे। ये बी है मैंने जी भी ना 33 है भाई। अगर मेरे से बी पूछा तो ये मालूम होना चाहिए कि नहीं, या तो ये देगा या कोई इन्फॉर्मेशन देगा, हाँ या ना। मेरे से ए और सी का पूछा है ना, अगर एग्जाम सी का पूछेगा तो क्या करेंगे, ए का मालूम होना चाहिए तभी तो होगा। इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि 37 से कम और 51 से कम होगा। अच्छा यही से डिफरेंस करके 35 से कम या नहीं भाई डिफरेंस हो, अब कितना मान लो एक कुछ रहेगा उसमें से कुछ घटाएंगे तो क्या बना सकता है, बहुत में से डिफरेंस से क्या बना सकता है। जैसे हमने पूछा सर तो ये माइनस बीटा कुछ भी होगा वो 35 ही होगा ना, उससे तो कम ही आंसर आएगा ना। अच्छा तू यही रुक जा रहा है, हाँ उसे तो कमी होगा, रास्ता में रुक जाएगा तो ही ना कम होगा, छाट सकता है। चलिए हो गया कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑन सीरीज एंड पैरेलल। अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिंपल था, सीरीज और पैरेलल का, अब है कॉम्प्लेक्स। क्या है देखिए कैसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, देखने में कॉम्प्लेक्स है बनाने में कॉम्प्लेक्स, इसलिए दिमाग को शांत रखना है। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ ले लो ए और यहाँ ले लो बी, मेरे से बोल दिया फाइंड आर ए बी, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल से बनाना बहुत आसान होता है, बनाने के लिए तो बहुत मेथड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही मेथड लेके चला हूँ जो सबसे इजीएस्ट। अब देखो लो कोई भी क्वेश्चन हम हार्ड बताएं क्या करो, जीरो लिखो स्टार्ट हो जाओ, जीरो लिखो। अगर मैं यहाँ जीरो लिखूँ, जीरो जीरो जीरो, यहाँ भी जीरो, अरे ये जीरो तो जीरो है ना, अरे झुट्टे के नवार दिया है बेवकूफ बनाने के लिए कि बच्चा बह जाए नहीं, अगर कोई नहीं बह जाए, अरे यहीं लिखे ना भाई, कनेक्टिंग वायर है ना, यहाँ भी तो यहाँ भी है ना। अब देख कमाल का चीज मिलेगा, तुमने तुम्हें क्या चाहिए, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, ए का पोटेंशियल, बी का, तो यहाँ भी है यहाँ भी जीरो लिख सकता है, उसे कोई दिक्कत एक जरूर। अब इसको ऐसे कर, यहाँ भी लिख और यहाँ जीरो लिख, भी और जीरो के बीच में जो जो रेजिस्टेंस है सजा लो, आर आर, अरे सीरीज है ना, क्या ये दोनों भी और जीरो के बीच में है, अरे यहाँ भी ए भी तो भी जीरो तो जीरो, क्या ये भी और जीरो के बीच में है, आर आर हो गया खत्म, टिक कर लो खत्म हो गया। क्या ये लाइन, अच्छा इसका क्या मतलब है, ये टच नहीं है, ये अलग है और ये, इसका मतलब है ये दोनों में कोई टच, चलो ये दोनों भी एक लाइन में है, आर आर, क्या ये भी और जीरो के बीच में है, लिखते जाओ टिक करते जाओ, ये भी और जीरो के बीच में है, आर आर, आर आर, ये भी और जीरो के बीच में है, देखो सारे आ गए, सब भी और जीरो के बीच में है। अगर सारे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो सब भी और जीरो के बीच में है, सब पैरेलल में है, तो बोलो आर इक्विवेलेंट, टू आर टू आर टू आर टू आर, या तो पैरेलल में क्या होता है, वन बाय आर इक्विवेलेंट वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री प्लस वन बाय आर फोर, वन बाय टू आर वन बाय टू आर वन बाय टू आर वन बाय टू आर लिख लो, या सब का वैल्यू सेम है ना, सेम रहे तो आर बाय आर ना, सेम रहे तो आर का वैल्यू टू आर, एन कितना दो दूना आर बाय टू, हो गया बन गया। तो आप जब भी कॉम्प्लेक्स रहे तो आप पोटेंशियल से करने का ज़्यादा कोशिश करो, बहुत आसान हो जाएगा। फिर अभी देखो अभी एक से कॉम्प्लेक्स आएगा, हो गया, अरे देखो ना हो गया, ट्राई करो इसको, ए अपने लिए आसान वाला,
देखो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं बस बता देता हूँ, घर पे सॉल्व कर लेना। इसको मैं हिंट दे देता हूँ, आंसर भी बोल देता हूँ, होमवर्क बस गुना भाग कर लेना। करेगा? अरे ये रेसिडेंस है, ऐसे से भी कर सकते हो। नहीं समझ रही थी? अरे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, अरे ये तो ऐसे भी सिंबल है, रेसिडेंस ये होता है, ये रेसिडेंस थोड़ी है। वायर टेढ़ा मेरा है, जरूरी है, पंखा टेढ़ा मेरा है, ये जो आप देखते हो रेजिस्टेंस, ये है क्या? ये सब पंखा बल्ब सब यही ना है? ये क्या है? रेस्टोरेंट है? ये क्या है? रेस्टोरेंट है? वो क्या रेस्टोरेंट है? उसी के लिए ना यार लिखते हैं। अब सोचो क्वेश्चन बनाने समय दोस्त को पंखा लगाएंगे तो बोर्ड में भरो क्या? इसलिए ऐसा डिनोशन है। कैसे किया? पॉइंट यहाँ नहीं रे, पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हटा दी। अच्छा ये पॉइंट यहाँ से आएगा तो बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। रेजिस्टेंस पॉइंट में भी डिपेंड करता है कहाँ पूछा गया है। देखो बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज पढ़ रहे बोलना, ये दोनों सीरीज इसके साथ, ये दोनों सीरीज इसके साथ, ये सब सीरीज हो जाएगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, बन गया। फिर से इधर से आवाज नहीं आता है, ये दोनों इसके साथ, ये दोनों इसके साथ, सब ये सब को सीरीज में सॉल्व कर लेंगे, उसके साथ ये, फिर तोड़ लोगे? ये मैं गुना भाग नहीं करूंगा, अपने कर लेना घर पे। एक बार और बोलो, अरे बोलो ना यार, अब इसको एक बार बना लेंगे, ये अलग लाइन हो जाएगा और ये पैरेलल, फिर ये पूरा हो गया, फिर इसके साथ, अब ये पूरा सॉल्व हो गया, इसके साथ क्या हो जाएगा सॉल्व कर, क्लियर? इसको गुनावा करके निकाल लेना, ये ट्राई करेगा? करेक्ट ट्राई। सब में आने, जल्दी ट्राई करो, बुद्धि दे, भी जीरो लिखो, स्टार्ट हो जाओ। मान लो यहाँ जीरो लिखा, ये पूरा तो कनेक्टिंग वायर है, जीरो जीरो जीरो, यहाँ मान लेना भी, यहाँ जीरो, यहाँ यहाँ फंस गए, एक्स मान लेना, यहाँ लिख देना पॉइंट भी एक्स जीरो, और सबको सबके बीच में लिख लेना, कैसे यहाँ लिखे थे ऐसे आ जाएगा। नहीं समझी बात? पक्का? देखो करंट ताज़ा ताजी है, थोड़ा सा समय निकाल के, सेमीकंडक्टर का यूट्यूब पे वीडियो है, पिछले साल हम लाइव में पढ़ाए थे रिवीजन में, पूरा टारगेट के लिए है, आप समय निकाल के चाहोगे तो देख सकते हो, सेमीकंडक्टर का ताज़ा ताजी है, एयरफोन लगाइए और देखिए मस्ती से एकदम। अच्छा वीडियो में हम ही ना रे, दोसा थोड़ी है, अब उतने एनर्जी से बनाएगा आए सर, आप कल भी आ रहे हैं, चलिए बातें खत्म कर दी, आप बातें खत्म कर दी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बोल ही दिए कि बहुत वीडियो बाकी, बहुत क्या, बहुत ज्यादा है।
मैं क्या बोले अब शब्द नहीं है मेरे। तुम सेमीकंडक्टर ही हम बोले देखने के लिए, पहले तो सबका देख लो फिर मेरा देख लो। या किसी एक का देख लो, ये भी शूट हो रहा है, मेरा भी देख लो, तुमको अंतर अपने आप पता चल जाएगा। बात आ रही कि नहीं समझ में? तो वीडियो में भी अंतर है, वीडियो भी तो क्लासे का शूट किया हुआ है। क्या अंतर है? जो देखना है भारत के जितने भी टीचर को तुम जानती हो फिजिक्स में, उसका भी देखो मेरा भी देखो, अपने आप अंदर पता चल जाएगा। चलो रे बउआ, क्या लिखो? जीरो जीरो लिखो, जीरो 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 जीरो। यहाँ भी मान ले मैं तो फंस गई, मैं तो फंस गई। यस वाले सर दूसरा कलर से सही बोल रहा है तू, आज जीवन में पहली बार बात सही बोला है, मन जीत लिया आज मेरा। तो मन जीत है ही मेरा, ये मन जीत है। जीरो 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 जीरो, यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो ना, हाँ कनेक्टिंग वायर रहता है बीच में, तब नहीं है तुम। अच्छा यहाँ भी तो यहाँ भी सोख लिया, यहाँ एक्स मान लो। क्या सारे रेजिस्टेंस देखो, यहाँ लिखो कितना पॉइंट है, तीन ना। यहाँ लिखो भी, यहाँ लिख लो एक्स, यहाँ लिख लो। चलो क्या ये भी और एक्स के बीच में है? लगा लो भी और एक्स के बीच में, लगाओ टिक करो। अरे ये वाला भी और एक्स के बीच में है ना, लगाओ टिक करो। ये वाला एक्स और जीरो, वाह व्हाट अ मेथड। मैं थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर ऊपर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे लिखूं? बी और एक्स, एक्स और जीरो, ठीक। ये भी एक्स और जीरो, जीरो बच्चा ने हो गया सब। एक्स जीरो एक्स जीरो एक्स जीरो एक्स भी बहुत खत्म। चार रेजिस्टेंस है, तीन एक्स और जीरो के बीच में, एक्स जीरो एक्स जीरो एक्स जीरो, एक एक्स और भी के बीच में। एक्स जीरो के बीच में कितना? तीन। एक्स और भी के बीच में सबका वैल्यू सेम है ना, आर 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 आर। अच्छा हमेशा सेम है ऐसा कोई जरूरी? अरे यहाँ आर, यहाँ पांच आर देता है उससे कोई दिक्कत? बोलो आर इक्विवेलेंट, क्या ये तीनों पैरेलल में है? आर आर आर, तो तीन आर बाय थ्री, आर बाय थ्री ना प्लस आर, पक्का? कोई बहुत बड़ी बात? क्या मैं एक बार और समझाऊं? ये बात सॉल्व करो इसको, सेम है खाली क्या किए हैं, सटा दिए हैं। हाँ जी आर बाई फोर, जीरो लिखो और जीरो 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 जीरो। यहाँ जीरो, यहाँ भी मान लो, यहाँ फंसने वाला कोई बात ही नहीं है, वहाँ तीन पॉइंट हो जा रहा था, सारा बी और जीरो के बीच में है। देखो ये भी बी और जीरो, अरे बोलो, ये भी बी और जीरो, ये भी बी और जीरो, ये भी बी और, क्या सारे बी और जीरो के बीच में है? बाहर में ऐसा करो, यहाँ भी यहाँ जीरो लिख लो, सबको सजा लो, आर 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 आर, अरे रे रे रे, बहुत सारा रेजिस्टेंस रहेगा, सबका वैल्यू सेम रहेगा, ऐसे डालोगे रखोगे, अरे रे रे रे, अरे रे रे। जल्दी बोलो
सब सेम ना, आर वाई फोर सीधे लिख दे। क्या इस सब क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा दोगे? अरे रे 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 ये रे 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 मुझे लगा क्वेश्चन छोड़ दिया, चाहिए डाला इसे। सारे को उजला पेज पे लिखता हूँ, फिर टाइप होता है, फिर पीपीटी बनता है, तब पीडीएफ, तब चेक होता है, तब जाके यहाँ डायग्राम पे प्ले होता है। देखोगे ऑफिस में जाकर कितना उजला पेज पे डेली पट 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 लिख दिए। और इतना दिन से मेरे साथ काम करो तो मेरा राइटिंग समझ जाता है। लिखो बनाओ, सीक्वेंस सही जा रहे हैं। जीरो लिखो ना, शुरू हो जाओ ना। अब फंस गए तो एक्स, दो बार फंसे तो वाई, तीन बार फंसे तो जेड। जल्दी जल्दी सेम तरीका। हम बोले थे कि बहुत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कितना हुआ? मैग्नेटिज्म में एक दिन में 50-50 क्वेश्चन डिस्कस होगा तभी होगा। 50 कम है, 100 कर सकता है। मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है। मैं क्या सोचा था मालूम है? मैं क्या सोचा था कि करंट तुम लोग का पहले से कुछ जरूर अच्छा होगा, मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा सपना धराशाही हो गया। ये सपना तो है नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग ही चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बताओ ना रे, वन ना सही लग रहा है, तीनों पैरेलल में है। देखो बउआ, कहाँ लिखे जीरो? ए पे कि बी पे? कहीं लिखो, यहाँ जीरो जीरो जीरो, यहाँ भी मान ले बी है, और कोई बचा? देखो सारे पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया। यहाँ लिखो भी, यहाँ लिखो जीरो। क्या ये वाला भी भी और जीरो के बीच में है? छ। क्या ये वाला भी और जीरो के बीच में है? दो। क्या ये भी और जीरो के बीच में है? तीन। सब भी और जीरो के बीच में ही है। क्या तीनों पैरेलल है भारत माता की? छ तीन का, देखो अपना अपना बुद्धि, मौने तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगों तो लिखोगे 1/3 + 1/2 + 1/6। और हम जानते हैं कि दो वाले में फॉर्मूला होता है R1 R2 / R1 + R2, तो आसान है। तीन वाला में क्या करो, दो को एक कर लो, फिर दो का निकाल लो। मान लो पैरेलल में आठ वो लगा हुआ है तो आठ बार एलसीएम लेंगे, बुद्धि लगा लेंगे। अरे ये 3-6 का 2 होगा, आ 2-2 का मन, एलसीएम से आसान है ना ये। मान लो कहीं पे 5 को लगा हुआ है पैरेलल में, तो तुम 2-2 को सॉल्व करते जाओ, एक बनाते जाओ। अब एलसीएम ले लो भाई, जैसे तुम्हें आसानी हो बोलो, सॉल्व करो। अरे आर इक्विवेलेंट लिखे, चाहे आर ए भी लिखे या जो पॉइंट दे दे, मान लो यहाँ सी आर डी, आर सी डी पूछ देगा, बोलो। यानी सबको ये दोनों पॉइंट के बीच में लाना है, आर इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है। जल्दी बनाओ, सेम सेम जीरो लिखो, स्टार्ट हो जाओ। फंस गए हो तो एक्स, और सबको बाहर निकाल के बीच में बैठा दो, आ जाएगा जल्दी। अगले 5 मिनट में 3 क्वेश्चन। Mm-hmm.
ऐसे ही लिखो ना, बोर्ड पे आके बना और कॉन्फिडेंस आएगा। R by 2 सही लग रहा है, R by 2 सही लग रहा है। सब बैठ के घर में मिला लेना आंसर। देखो अभ्यास इसलिए इतना करवा रहे, पूछेगा तो बहुत सिंपल है, अभी तो सिंपल ही पूछा गया, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर तो कुछ पूछेगा तो डर नहीं लगेगा। फिजिक्स का यही खासियत है कि चैप्टर क्लियर है तो कुछ भी पूछेगा तो, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मैकेनिक्स अगर हमारा प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फाइनल R/2 कितना पक्का बना रहा ये तो देखो, क्वेश्चन एक है आंसर एक ही होगा, या तुम सही हो या ये गलत है या सब गलत हो सकता है। हम अच्छा एक बात ध्यान देखते हो, हम आंसर देख के सही गलत नहीं बोलते हैं, हम स्माइल करते हैं। आज तक नहीं हुआ होगा कि तुम आंसर बोला एकदम सही है, तुम्हारे आंसर पे हम सिर्फ स्माइल करते हैं, अभी तक फकरा ही नहीं। चलो रे क्या लिखे, 0 बी पे, कहीं लिखो कहीं लिखना 0 यहाँ भी मान ले फंस गए, एक्स यहाँ एक्स तो यहाँ भी मान लो, कोई यहाँ 0 मानता है फंस गए, यहाँ एक्स मान लो कहीं भी मान लो, और कोई पॉइंट है क्या? सारे प्रश्न तीनों पॉइंट के बीच में, या तो भी और 0 के बीच में है, या भी और एक्स के बीच में, या भी और आर के बीच में, सॉरी भी और 0 के बीच में। चलिए यहाँ सजाइए, भी एक्स 0 कहीं से शुरू करो, कहीं से शुरू करो, क्या ये एक्स और 0 के बीच में है? लिखो टिक कर लो, लिखो टिक कर लो, क्या ये भी और 0 के बीच में है? बोल रहे यार, लिखो और टिक कर लो, भी और 0, क्या ये भी और एक्स के बीच में है? लिखो टिक कर लो, ये भी और एक्स के बीच में है, सब हो गया, ये एक्स और बेजर हो गया। अरे रे रे रे, और कोई पॉइंट है? पहले लिखो यहाँ टिक करके खत्म कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलो ये दोनों पैरेलल, अरे ये दोनों पैरेलल ना, आर आर का आधा हो जाएगा ना पैरेलल में, दो पैरेलल में रहे तो ऊपर में मल्टीप्लाई नीचे सम करो, आर इंटू आर बाई आर प्लस आर, आर स्क्वायर बाई टू आर, आर बाई टू, आर आर का आर बाई टू, आर आर का आर बाई टू, ये और ये सीरीज हो जाएगा आर बाई टू आर बाई टू आर, फिर इसके साथ ये पैरेलल आर आर का आर बाई टू आर बाई टू, फिर से बोल दूं, आर आर पैरेलल में आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू आर आर आर, ये कैसे लिखने क्लियर है? सबसे आसान मेथड, डन, पागल हो जाओ जल्दी, पागल हो जाओ जल्दी,
इसमें टाइम नहीं देंगे हम। दस पंद्रह गिन रहा है उसके अंदर आंसर चाहिए। एक आठ अभी जो सांस लिए सो सर्किट का डिजाइन कुछ हो सकता है, उसे कोई मतलब नहीं, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा करना। जीरो लिखो, शुरू हो जाओ, सजाओ। अरे हमको भी बोलने का आती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं क्या बोलो। चलो ठीक है, हम चुप ही रहेंगे। आप यहाँ वैल्यू दे दिए हैं, इससे पहले आर 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 था इसलिए आर में आंसर आ रहा था। बनाऊं? जीरो लिखो कहीं, जीरो जीरो जीरो, सही है। यहाँ अगर भी मान ले तो भी भी हो गया, सजाओ। या तो कहीं पे दो ये पॉइंट है, या तो भी है और या जीरो है। ऐसे सब लिख पा रहे हो ना? भी जीरो, सही है ना रे। ये भी भी जीरो, ये भी भी जीरो, ये भी भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब पैरेलल में, सब पैरेलल में, सब भी और जीरो के बीच में, सब भी जीरो के बीच में। 12 ओम भी जीरो के बीच में, ये भी और जीरो के बीच में, ये भी और जीरो। ए क्या बारी, ये भी और जीरो, ये भी और जीरो, सब भी और जीरो है। छे 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 छे, अरे छे छे, रुको रुको, छे छे का तीन पक्का, बारह छे का चाहे और बढ़िया कॉम्बिनेशन बना सकते हो ड्रेस में। छे छे
छीन तीन बारह छ छ का तीन छ छ का तीन 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 का डेढ़ छः छः तीन छः छः तीन ठीक। अरे भाई हो जाएगा तू लोग शांत दिमाग रहेगा तब ना शांति दे ही नहीं रहा मुझे। रुक रे छः छः तीन ओरल करेंगे नहीं करेंगे एलसीएम नहीं करेंगे एलसीएम चल रुक नहीं छ छ तीन और करने दे छ छ तीन 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 का डेढ़ डेढ़ दो का है ठीक है हो गया देखो कैसे आसान हुआ सर बारह छः का चार तीन छः का दो 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 का एक हो गया हो गया। अरे तो हुनून 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 हो रहा है इसलिए टाइम लग रहा है हो गया। चलो कितना आया है तुम्हारा चार बटा पाँच विश्वास करें वो तो गया रे। अरे ठीक तो है बारह छः का चार छः तीन का दो ठीक चार दो 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 का एक दो दो का एक वन बाय चार वन ठीक आ तो गया उल्टा उल्टा करो नहीं अब कहाँ एलसीएम लिए अरे बिहारी आदमी का एलसीएम लेता है। अरे तू लोग घुनू घुनू कर रहे थे इसलिए दिमाग मेरा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा सही ईमानदारी बता दो एलसीएम से आसान है कि नहीं पेयर गलत बन रहा था पहले क्योंकि तुम लोग हुनू हुनू कर रही थी सबसे आसान है मेरा मेथड सबसे आसान बारह छः का चार तीन छः का दो दो का एक चार और एक का पांच बटा चार पल्टी मार चार बटा पांच यस जी बाबू कुलदीप राय एगो डायलॉग है बिहार में जी बाबू बना। अरे सीरी वाला आ गया क्या लग रहा धुआं धुआं उड़ा दे गए फाइनली मैं एलसीएम नहीं है लिया तो लोग हुनूर हुनूर कर रहा था इसलिए दिमाग थोड़ा सा चला नहीं हुआ हुआ कि नहीं हुआ नहीं एलसीएम इजी पढ़ रहा है दिमाग शांत करो ठीक है तुम लोग एलसीएम अच्छा लगा एलसीएम कर क्या झूमर बर्बाद कर दिया मेरा लेटर प्रॉब्लम क्या है देखो दो मिनट में बता देते हैं जल्दी शांत हो जाइए तब मैं बोल पाऊंगा मुझे शांति दो बोलो देखो लेटर प्रॉब्लम क्या है ध्यान से देखो हुआ ही हूँ आपने सीरी देखा है कि नहीं बांस का सीरी बांस का सीरी नहीं देखो तो मान लो खेपचा है कोई खेपचा लगाया खेपचा 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 वो लगाते लगाते मर गया उसका बाप बेटा आया वो लगाया उसका खानदान पूरा खेपचा लगा रहा है
कहाँ तक चल जा, मतलब उसका फैमिली का यही काम था, उसके फैमिली का यही काम है, खेपचा 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 लगाया, एगो पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी आया, फिर तीसरा पीढ़ी आया, लगाते गया, बोले आर इक्विवेलेंट बताइए। इसका सबसे आसान तरीका जो है, सबसे आसान, वो देखो ध्यान से क्या है, मुझे निकालना क्या है, आर ए बी, रे बुआ, मान लो कि आपका जो आंसर आएगा वो एक्स है, आप ये मान लो कि आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में एक्स है, मानने में क्या दिक्कत है, मान ली, मानने में कोई दिक्कत, अरे आंसर कुछ तो आएगा, आंसर वे को क्या मान लिए। अब क्या करो, हंसुआ लो, क्या लो, और ऐसे जगह से काटो कि आपको सेम दिखे। सोचो अगर मैं कौन में यहां से काट दूं, ध्यान से देखो तो रिपीट हो रहा है कि नहीं, यहां से काटूंगा तो सेम नहीं दिखेगा, यहां से काट रहा हूं तो सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसे जगह से काटो कि दिखने में वो सेम लगे, ऐसे जगह से काटो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे यहां से काट दिए, ये पोर्शन हट गया तो फिर सेम टू सेम ही ना दिख रहा है, है ना। पूरा क्या था, इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट में से ये हटा दो, इन्फिनाइट ही तो रहा, इन्फिनाइट में से एक हटा, अब इसे ऐसे बना लो, अब ये है ही नहीं है, इस सब का क्या माने थे, इस सब के बदले एक्स लगा दो, ये दोनों रहने दिए, इस सब के बदले आया, इसका इक्विवेलेंट क्या माने थे, यहाँ एक्स लगा दो, इसके साथ ये पोर्शन ऐसे नहीं लगेगा। अब करो इसका आर इक्विवेलेंट, बोलो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, आर प्लस एक्स ऊपर में मल्टीप्लाई ना हो, आर एक्स बाय, दो टर्म रहे पैरेलल में, आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, आर इंटू एक्स बाय आर प्लस एक्स, इसके साथ ये सीरीज में है प्लस आर, इस सब का किसके बराबर, इस सब का तो एक्स माने हैं, अरे ए और बी के बीच का एक्स ना, और ऐसे एक्स निकालो आगे आंसर, इस सब के बदले क्या लिखे आप, इस सब का कितना हम माने हैं, बराबर एक्स करेंगे कि नहीं, इक्विवेलेंट तो एक्स माने हैं ना, इक्विवेलेंट एक्स बराबर कर दिए। अब लो ऐसे आप जो हम बता रहे थे, तुम दोनों का ध्यान कॉन्सेंट्रेशन में नहीं था, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे दोबारा बताना पड़ा, लेकिन खेद इस बात का जरूर है कि कॉन्सेंट्रेशन कम था। क्लियर, ध्यान दो, क्यों कैपेसिटर में भी सेम प्रॉब्लम है, बोलवे नहीं किए, कल से जितना क्वेश्चन कर रहे हो सब कैपेसिटर में सेम टू सेम है, बस अंतर क्या होगा, यहाँ का जो सीरीज है वहाँ पैरेलल हो जाएगा, वहाँ का पैरेलल यहाँ का, तो जैसे ही मैं हुई स्टेशन बीच बढ़ाऊंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इधर लिख दूंगा रेजिस्टेंस, इधर लिख दूंगा सीरीज में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, आर वन प्लस आर टू, वहाँ हो जाएगा वन बाई सी वन प्लस वन बाई टू, इसका जो सीरीज का फॉर्मूला है इसका पैरेलल उसका, बस क्वेश्चन बनाने में कोई अंतर, अब बाकी अलग जो चीज़ सीखना था वो सिखा देते, बैटरी का बग डाउन और कैपेसिटर पे चार्ज, सीरीज पैरेलल बनाने में अंतर, चार्ज निकालने में अंतर है, तो सिखा के हम शुरू किए थे करंट, बोलना हो फिर से समझाता हूँ, मुझे इनफाइनाइट है ये लकड़ी का खेपचा लाया, जोड़ रहे इनफाइनाइट तक, दस पीढ़ी खत्म हो गया तैयो जोड़ा जोड़ी चल ही रहा है, हमको निक बोल दिया कि बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुछ नहीं करो आप, मान लो कि सबका इक्विवेलेंट क्या आएगा,
मानने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या है, हंसुआ लीजिए, क्या लीजिए, ऐसे जगह से काटिए कि देखने में सेम रहे। देखो अगर कोई यहाँ से काटेगा तो सेम रहेगा देखने में, यहाँ से काट दिया सेम तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई यहाँ से काट रहा है, देखो यहाँ देखो ये दोनों देखो, अगर हम यहाँ से काटेंगे तो फिर वो दोनों दिखा कि नहीं दिखा, ये बात समझ रहे हो, यहाँ से काटने में यहाँ से काटने में क्या अंतर है, यहाँ से काटे तब सेम, ये वाला आ गया ना, इसे देखो ये दोनों ऐसे दिखना चाहिए काटने के बाद भी, ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे काटे तो ये दोनों दिख रहा है ना, बार बार दिख रहा है। आप सोचो ये पूरा कितना था, इसमें से इसको काट के हटा दिए, इसमें से एक पोर्शन काट के हटा दिए तो इन्फिनाइट में से एक गया, कोई फर्क, ये पोर्शन जो काट के हटाए थे यही तो था आर और आर था, इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या माने हुए, इस पूरे के बदले एक्स लगा दो, ऐसे ही लगेगा ना, बोलो आर आर ये कटा हुआ पार्ट था, ये वाला पोर्शन का क्या माने हुए, तो ये पोर्शन को ऐसे ही नहीं जोड़ोगे, इस सब के बदले क्या लगा दिए, अब आर इक्विवेलेंट बोलो, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों का क्या हो जाएगा आर एक्स बाय इसके साथ, अरे ये दोनों पैरेलल है आर एक्स बाय ये पूरा इसके साथ प्लस आर, सब का क्या है, यहाँ से एक्स निकाल लो, यहाँ से एक्स निकालोगे तो जो एक्स आएगा आर इंटू वन प्लस या रूट फाइव, वन प्लस रूट फाइव बाई टू आएगा, ये क्वाड्रेटिक में आएगा तो माइनस छोड़ देना प्लस ले लेना, बोलो क्वाड्रेटिक में ही आएगा, कर दू क्वाड्रेटिक ही सॉल्व कर लोगे ये आंसर आएगा, इसको जल्दी से बना ले, बनाएगा कि घर पे बना लेगा, इसको दोनों सेम है कि अलग अलग, इसको कहाँ से काटोगे, यहाँ से यहाँ से काटेंगे तो सेम दिखेगा, यहाँ से काटेंगे तो ये वाला दिख गया, कर लोगे आंसर लिख दो इसका, सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा आर उसका कितना आया है प्लस, अच्छा यहाँ देखो तो यहाँ वन प्लस रूट फाइव लिखे या रूट फाइव प्लस वन, एक ही आएगा क्या लगाएगा, प्लस है ना, ए यहाँ वन प्लस रूट फाइव लिखे या रूट फाइव प्लस वन सेम ही आएगा ना, तो सही लिखे हैं, उम्मीद करता हूँ कि जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल 99.999 जहाँ तक मुझे आंसर याद है, और आंसर बदल गया मान लो अपने आप को दोष देना 99.999999999 क्योंकि तुम गुना भाग में गलती कर सकते हो, 0.1 नहीं 0.1 भी नहीं एकदम श्योर हूँ यही आंसर आएगा, 1000% श्योर हूँ यही आएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, चलो सीरी होगा खत्म, कल शुरू करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसमें सेल बैटरी और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाएंगे, क्लियर, चलिए कैसा लगा आज का सेशन, अच्छे से बाय बाय करें, थैंक यू सर। रे इसको बना लेना कॉन्फिडेंस आ जाएगा।